स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के साथ आए हैं दोस्तों, जो निकला है पूरे भारत के अंदर निकला है, पुरुष और महिला दोनों के लिए। स्कूलों में 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस लाल बटन पर क्लिक कर लीजिए, जिस प्रकार से आपका ये ब्लैक हो जाएगा, साथ में इस बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सबसे बड़ी घोषणा कर दी गई है, जो आपकी परीक्षा होगी बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर आपका जो फाइनली सिलेक्शन होने वाला है, 15,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, 42,000 आपका ग्रेड पे है। तो चलिए पूरी डिटेल के साथ में हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे स्कूलों में होगी 15,000 की नई शिक्षकों की भर्ती। तो यहाँ पर आप देखेंगे राजधानी सहित देश के उन प्रतियोगिताओं के लिए राहत की खबर मिल चुकी है, जो सरकारी और निगमों के स्कूलों में जून और नवंबर 2018 के बीच में शिक्षक भर्ती में असफल रहे विद्यार्थियों के लिए छात्रों को दिल्ली ने सरकार के नियमों में शिक्षक करने का एक और मौका मिल जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने जो दाखिल में किया गया है कि यह जानकारी जस्टिस ए.के. चावला के दाखिले नामा हुई 15,000 शिक्षकों की भर्ती शुरू। तो यहाँ पर आप देखेंगे नए शिक्षकों की भर्ती शुरू हो जाएगी आपकी। दोस्तों कब होगी उनकी पूरी डिटेल हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि कब होगी क्या नहीं होगी। यहाँ पर मैं दे देता हूँ दिसंबर तक होंगे आवेदन। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिसंबर में आपकी भर्ती होने वाली है शिक्षकों की। अशोक अग्रवाल ने बताया कि जो आपकी DSSSB में जो ऑल इंडिया के अंदर भर्ती होती है उसके अंदर 15,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन होंगे, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उनके बाद में आपके हिसाब से अब मार्च 2019 तक पूरी परीक्षा हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर जो अपडेट आ रखी है जो आपके DSSB के अंदर है टीचरों की भर्ती है, मार्च 2020 तक आपकी पूरी जो एग्ज़ाम हो जाएगा और उम्मीदवारों को दिसंबर 2000 तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों भर्ती प्रक्रिया चल रही है। DSSB ने उच्च न्यायालय को यह बताया गया है कि दिल्ली सरकार के द्वारा 10,591 नए शिक्षकों की नियुक्ति कर भर्ती शुरू करने की बताया गया। इस प्रक्रिया में चलते हुए आवेदकों की बात करते हो तो यहाँ पर आप देखेंगे 778 पदों के लिए मांगे गए थे, 3,296 पदों के लिए कानूनी तैयार हो चुके थे, लेकिन अब जो डिसीजन हो चुका है पूरी भर्ती पदों के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षकों की भर्ती आपकी दोस्तों आ रही है, 15,000 शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये पूरी डिटेल आज का जो नोटिफिकेशन के साथ में लेटेस्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के साथ में हम आए हैं। उच्चतम न्यायालय ने ये पूरी भर्ती की खुलासा कर दिया गया है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप भर्ती प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन जो परीक्षाएँ हैं वो आयोजन की जाएगी। ऑल इंडिया भर्ती है, कोई ऑफलाइन नहीं है, ऑल इंडिया भर्ती पूरे भारत के अंदर ये भर्ती है। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, डेली अपडेट के लिए हमारे साथ में सहयोग, वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।